Drop it. Oh, wow. Hey guys, it's your friendly neighborhood and I am back again with another release date. Guys, I'm so sorry कि मैं काफ़ी वक्त से वीडियो नहीं डाली क्योंकि गाइज वो सब भूल ही जाओ, उस सब को कहीं और ही छोड़ दो। बस यूँ समझ लो मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी मैं मुझे लगता है कि मुझे शक हो रहा है कि मैं बीच में कई बार लेट हो सकता हूँ, बहुत बार स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल गाइज। और ऊपर से यूँ समझ लो गाइज, मेरा मोबाइल डैमेज हो गया था, इसमें कुछ सिस्टम थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैंने इसे ठीक करवाने भेजे, जिस वजह से मुझे कुछ काफ़ी वक्त लग गया और मैं वीडियोस नहीं बना पाया, जिसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। लेकिन अभी वापस आ चुका है तो मैं हफ्ते में एक से दो वीडियो तो डालूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ द डिटेक्टिव इज़ ऑलरेडी डेड। वेल, आप लोग सोच रहे होंगे मेरी आवाज़ को क्या हुआ और मेरे प्रोनाउंसिएशन को, तो मैंने काफ़ी वक्त से वीडियो नहीं बनाई, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करो गाइस प्लीज़। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ इसके सीज़न 2 के बारे में, लेकिन इससे पहले बात करता हूँ गाइस इस एनिमे के बारे में। गाइस ये एनिमे एक बहुत ही गजब और जबर टाइप के एनिमेशन से भरा हुआ है। इसका एनिमेशन मुझे बहुत ही गजब लगा है और यूँ समझ लो गाइस की बहुत ही बढ़िया एनिमे है ये, आप लोग इसे ज़रूर देखें। तो आज मैं इसके सीज़न 2 के बारे में बात करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बात करें सोर्स मटेरियल की, और मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहूँगा गाइस, क्योंकि सोर्स मटेरियल बहुत है, ऑलरेडी काफ़ी सोर्स मटेरियल है। और फिर बात करें अगर पॉपुलैरिटी की, पहले सोर्स मटेरियल चेक हो चुका है, फर्स्ट पॉइंट। तो दूसरा है पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी की बात करें गाइस तो ये अभी भी बहुत ही गजब तरीके से चला हुआ है और इसने एक बहुत ही गजब का फैन बेस बनाया है और इसकी सेलिंग्स वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है एक सीज़न 2 बनाने के लिए। तो सिंपली समझ लो गाइस, अभी के लिए कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, लेकिन गाइस पॉसिबिलिटी 100% तक जाती है इसकी, क्योंकि गाइस सच में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही गजब है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस एनिमे को देखा होगा, तो आप लोग जानते ही होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सॉरी मैं ज़रा बीमार हूँ। ओके तो गाइस, अगर आप सिंपली मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा गाइस का सीज़न 2 बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ के सीज़न 2 की। और अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बताऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि 2023 या फिर 2024 तक ही आ ही जाएगा इसका सीज़न 2। मोस्टली मैं 2023 कह सकता हूँ, क्योंकि एक दो साल के अंदर तो आ ही जाएगा, क्योंकि 2022 तो अब एक दो महीने की बात है, बस आ जाएगा। और वेल गाइस, तो मैंने शुरुआत में नहीं कहा, लेकिन हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, क्योंकि कल दिवाली है, मैं कल शायद ही वीडियो बना पाऊँगा, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, तो हैप्पी दिवाली एवरीवन। वेल गाइस, ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए अगर आप सच्चे एनिमे फैन होंगे। तो गाइस ये था आप लोगों का फ्रेंडली नेबरहुड। अगर आपके मन में और कोई रिकमेंडेशन है देन लेट मी नो बिलो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।